नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों ने एक वो शुरू की है, नई सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं आपको रोज़ की थेरेपी दिखाऊंगी अपनी, और जिससे आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को कितना फ़ायदा हो रहा है ना। मेरा बच्चा पहले दिन कैसा था, दूसरे दिन कैसा था, 6 महीने बाद कैसा था, साल भर बाद कैसा था, ये आपको खुद लाइव पता चल जाएगा, है ना। ना तो मेरी अब कुछ छुपाने वाली चीज़ रह जाएगी और ना ही कुछ ढकने वाली चीज़ रह जाएगी। बस आपको आपके सामने होगा सब कुछ, है ना, कि मेरे बच्चे को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, या कितनी देर में फ़ायदा हो रहा है ना। तो बिना कुछ देरी करे शुरू करते हैं थेरेपी। आज तो मैं सबसे पहले मैंने ये किया है, सबसे पहले मैं करूँगी ये ब्लैंकेट रैपिंग थेरेपी। आजा सात्विक, ब्लैंकेट वाली थेरेपी करें। बाबू हट जाओ, हट जाओ, इचिंग पहले हो जाती है इसे। हाँ इचिंग करो, फिर इचिंग हो रहा है। पैर सीधा करो, थोड़ा सा टाइट करना, है ना। इतना टाइट होगा, मतलब इतना टाइट भी नहीं कि दम घुटने लग जाए। अब वो बोल दे दो, अब इचिंग हो रही होगी तुझे, हट जा बाबू। आप नहीं, सब ढीला कर देता है तू। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जिम बॉल, सॉरी ब्लैंकेट रैपिंग थेरेपी से। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ कि बाबू अब मैं पिटाई करूँगी, पिटाई हैं, यही कि मैं पैरों के साइड आपको थोड़ा सा जोर से करना है और ऊपर साइड बिल्कुल हल्के हाथों से, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। खट 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 की आवाज़ आती है ना पूरे उसमें, इसको यहाँ पर लगा लेती हूँ। अब मैं एक दिन आपको ऐसी भी एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी जिससे जैसे कि अगर आप कहीं चले जाते हैं, जैसे कि घर पर, तो आपके पास अगर आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, थेरेपी कर रहे हैं, तो आपके पास सारा सामान होगा। अगर आप कहीं और चले जाते हैं, किसी के घर चले जाते हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर थेरेपी का सामान नहीं है, तो फिर आप कैसे थेरेपी करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। कि मतलब ऐसा बहाना नहीं चाहिए होगा ना कि अरे यार थेरेपी का सामान ही नहीं है तो फिर कैसे करें, है ना। एक दिन मैं वो थेरेपी भी करके दिखाऊंगी आपको। मैंने क्या बोला पहला का है? हाँ नहीं, नो नो, अभी ये टाइमिंग इसकी थेरेपी का नहीं है ना, इसका मन नहीं कर रहा है करने का। अभी स्कूल से आया है। अब तो मैंने ये सोचा हुआ है कि स्कूल से आते ही सबसे पहले इसकी थेरेपी कर देनी है, वरना शाम शाम तक ये बहुत थक जाता है और फिर मुझे दया भी आने लग जाती है इस पर, तो मैं अच्छे से कर भी नहीं पाती हूँ इसकी थेरेपी। तो अभी ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, ये स्कूल से मज़े करके आता है और फिर यहाँ इसे और मस्ती करनी होती है। हाथ हाथ हाथ, आजकल इनका एनुअल फंक्शन चल रहा है, उसकी तैयारी चल रही है, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि ये भागता रहता है। मैंने बोला था मैम को कि मैं अगर कर सके तो प्लीज़ करा देना, लेकिन इसको उस कमरे में रहना ही नहीं होता जहाँ पर सब बच्चे डांस कर रहे होते हैं। टर्न करो, टर्न, वेरी गुड। वैसे अगर खड़े करके अगर
ये जिम ये ब्लैंकेट रैपिंग की जाए तो ज़्यादा सही रहता है, आसानी रहती है करने में, क्योंकि कमर दर्द नहीं होती है। मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि मेरी कमर दर्द की प्रॉब्लम भी है ना, झुकी रहती हूँ तो फिर मेरी मैं अगर झुक के अगर मैं ऐसे काम कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसे होना मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं धीरे 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 होती हूँ, मैं चलती भी फिर ऐसे ही हूँ चल कुछ देर तक। हाँ अभी खाओगे, अभी स्कूल से खा के आए हो ना। मैं और दिनों यही करती थी, आते ही सबसे पहले ये नहला धुला करके अच्छे से तैयार व्यार करके फिर इन्हें खाना खिलाती थी। आज मैंने इनको बस नहला धुला करके बस अभी मैंने वही कराया है, थेरेपी स्टार्ट करी है, फिर इन्हें खाना खिलाऊंगी, क्योंकि अभी खाना खा के आए हुए हैं स्कूल से। ऐसा नहीं है कि अभी कितना बज रहा है, 12 ही तो बज रहा है, और सुबह से दो बार खा चुके हैं, इतना लगातार लगातार भी नहीं खिलाना, अभी खाएंगे, वेट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला ना कि वीडियो में थोड़ा लगता है कि मैं थोड़ा जोर लगा रही हूँ, लेकिन मैं जोर नहीं लगाती हूँ, मतलब बिल्कुल हल्के हाथों से करना है ये। यहाँ पर थोड़ा जोर कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, जहाँ पर प्राइवेट पार्ट है वहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आज तो बॉल वाली थेरेपी मैं कंप्लीट करूँगी। चलो खड़े हो जाओ, आ जाओ, जंप जंप वाली करेंगे हम। आ जाओ बाबू, सात्विक सात्विक आ जाओ। अब फिर से करने लग गया, कल मैं बोल रही थी ना नहीं कर रहा है, आज फिर से करने लग गया, मेरी नज़र लग गई शायद। तो सबसे पहले ये थकान देने वाली एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं, फिर जॉइंट कॉम्प्रेशन वाली सबसे लास्ट में, क्योंकि उसमें बैठ के फिर उठने का मन नहीं करता ना, तो थोड़ी देर आराम से ही करेंगे। इसके बाद ये जंप जंप वाली करा दूँगी, और वो कौन सी ये थेरेपी का जो सामान है वो पड़ा हुआ वो सारी करा दूँगी। मुझे रेत भी लेके आनी है, मैं कब लेके आऊँ तो समझ नहीं आ रहा है। अब मुझे ये भी डर लग रहा है, ले तो मैं आऊँ क्योंकि बाहर पर ही रखी हुई है, लेकिन रखूँगी कहाँ, अगर रख दिया तो फिर ये तो बिल्कुल ये लोग यहाँ पर रेत रेत कर लेंगे इनको, बिल्कुल आँखों के सामने इनको। जल्दी से जल्दी मुझे बनाना पड़ेगा वो रेत वाला पेटी। मत करो मत करो सात्विक, सात्विक नीचे। मेज करता है, दर्द हो रही है अब नीचे। हाँ अभी अभी करता है, ठीक है अभी हाथ मत छोड़ से, ठीक है मैं अभी काट दूंगी, ठीक है ये थेरेपी करने के बाद। ओके स्माइल कर दो भी बाबू, हाँ सुंदर सुंदर स्माइल है, ऐसे रोते नहीं हैं, स्माइल करते हैं। ये माइक मेरा कभी पीछे चले जाता है, कभी आगे गिर जाता है, नीचे हो जा। आज देख लो किसका कितना एक्टिव हो रखा है। अच्छा आज इसने शायद टॉफ़ी भी खाई है, स्कूल में मैम का फ़ोन आया था कि मैम बहुत परेशान हो रहा है, टॉफ़ी मांग रहा है, सब लोग खा रहे हैं, इसे दे दूँ, तो फिर मैंने कहा दे दो, तभी इसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ी हुई है। अच्छा इसको ना खाते ही इसका पता चल जाता है कि इसने कुछ तो खाया है, बहुत एनर्जी बढ़ जाती है इसकी।
आपने और दिनों के मुकाबले में देखा होगा कि आज इसकी थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि आज इसने टॉफ़ी खाई हुई है। लेकिन एक टॉफ़ी से इतना फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, पता नहीं क्या है, लेकिन क्या पता। पहले तो होता था कि इसको एक टॉफ़ी खाते ही इसको इसके एनर्जी बढ़ जाती थी। मैंने भी ले लिया। पता नहीं ले लिया था। अच्छा, आपके दोस्त का नाम क्या है स्कूल में? हैं? हैं? आपका दोस्त है या नहीं है? है, सुसु। सुसु नाम होता है क्या? हैं? तो फिर टर्न करो। आज मैं इसकी दो बार थेरेपी करूँगी, दिखाऊंगी एक ही बार। बोलो बोलो। पीछे आगे, 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 आगे, पीछे 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 आगे। फिनिश। ऊपर खड़े हो जाओ। वेरी गुड। अब क्या करना है? जम जम करना है। अच्छा, जम 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 जम। अब तो ये काफ़ी चीज़ें बताने लगा है, सवालों के जवाब देने लग गया है। एक टाइम ऐसा था ना, आज से 2.5 साल पहले, आप ये मान लीजिए, मैं सारी उम्मीद खो चुकी थी। मैं ये मान चुकी थी कि मेरा बेटा कभी सही नहीं होगा। मैं ये मानती थी कि अगर मेरा बेटा अगर बड़ा हो जाएगा तो तब भी वो पैंट में सुसु करेगा। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तब भी वो कुछ भूख से तड़पता रहेगा लेकिन बता नहीं पाएगा। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा वो पानी भी नहीं पी पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, सब चीज़ मुझे ही करना पड़ेगा, यही सोचती थी। और 2.5 साल में इतना अंतर आ गया। ये खुद से टॉयलेट जाता है, खुद से सुसु जाता है, गेट हाउस कपड़े में, कपड़े चेंज भी कर लेता है। और तो हावड़ा ब्रिज माने गेस्ट हाउस में। अच्छा, गेस्ट हाउस में है। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? गेस्ट हाउस में। बताओ तो कहाँ है हावड़ा ब्रिज? मैं सिर्फ पहले नहीं, कोलकाता में। अब तो ये सारे सवाल का जवाब दे। मैंने पूछा क्या करना है तो बोलता है जम जम करना है। क्या खाना है तो बताता है झोली भात खाना है या पोटैटो खाना है या गेस्ट हाउस माने गेस्ट हाउस जहाँ पर गेस्ट रहते हैं ना। उत्तराखंड माने उत्तराखंड बनाना माने बनाना माने केला। अब जाएंगे अभी लेके आएंगे, पापा को बोलेंगे बनाना लेके आओ। ठीक है, हो गया। वेट, वन टू थ्री हाँ फोर
हाँ फाइव हाँ सिक्स हाँ सेवन हाँ एट हाँ नाइन हाँ टेन इलेवन ट्वेल्व हाँ थर्टीन हाँ फोर्टीन हाँ फिफ्टीन हाँ सिक्सटीन हाँ सेवनटीन हाँ एटीन हाँ नाइनटीन हाँ ट्वेंटी हाँ ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन ओके वो आपको आपको बाद में करेंगे अभी बाबू बाद में ना प्लीज़ मैंने कराया था ना कल भी कराया था आपको ये देखो कैसे खड़ा है देख रहा है एट नाइन टेन एप्पल थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन थर्टी 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 थ्री थर्टी थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी नाइन फिफ्टी फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी फिफ्टी नाइन सिक्सटी सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सेवेंटी वन सेवेंटी टू सेवेंटी फोर सेवेंटी सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन एट्टी एट्टी वन एट्टी टू एट्टी फोर एट्टी फाइव एट्टी सेवन एट्टी एट एट्टी नाइन नाइन्टी वन नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन 100 मैं आपकी कराऊंगी अभी पहले एक बार दादा की थेरेपी हो जाने दो फिर मैं आपका ठीक है 100 तक कराऊंगी ठीक है ठीक है नाइन्टी तक ठीक है नाइन्टी तक कराऊंगी ठीक है ना फिर बॉल दे दो मुझे दे दो प्लीज ला दो थैंक यू आ जाओ अच्छा बॉल वाली तो हो गई ना अरे अभी तो ये बच्चे आ जाओ बाबू यहाँ पर आओ पिल्लू का है आ जाओ पैर सीधा करो हाँ वन टू थ्री फोर ढीला छोड़ो थ्री फोर फाइव वंस आई कॉट अ फिश अलॉय सिक्स सेवन एट नाइन टेन देन आई लेट इट गो अगेन Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? Pair seedha. Dheela karo. Very good, oral motor exercise chal rahi hai. आप लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं मैं रोज़ बोलती हूँ
फिर भी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप पता कोई यूनिक व्यूअर, मैंने देखा अपने डेटा में देखा ना, यूनिक व्यूअर बहुत आए हैं, बहुत सारे नए लोग देखते हैं एक्सरसाइज पूरी, तो उन लोगों के लिए बताना पड़ता है। अगर मैं बार 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 एक ही बात रिपीट कर रही हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि एक ही बात क्यों बता रही है, अब तो हमने सुन लिया। तो नए लोगों के लिए है तो उन लोगों को भी जानना ज़रूरी है कि मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ, इससे क्या होता है, मेरे बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, है ना। पैर सीधा करो बाबू। माँ, पापा, भाई, पापा, भाई। हाँ, गजब बैलेंस। कौन आया? पापा आया। पापा नहीं आए, हाथ हटाओ। हाँ, कौन आया? जो मार्ट आया। अच्छा, कान में नहीं लगाते बाबू। हाँ, ऐसे नहीं होएगा। ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। नहीं 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 होगा, फिर नहीं ना। चिप्स कौन खाएगा? चिप्स कौन खाएगा? चिप्स खाएगा, अभी खाएगा। शेप्स खाना है? शेप वाला चिप्स, शेप्स वाले चिप्स खाने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या बनाया आपने? अच्छा, ये कितनी सारी कार हैं आपके कपड़ों में? तो किसकी कार है ये? मेरे कार में जाना है। मैं कार चलाऊंगा। पैर सीधा करो। मुझे ऐसा लगता है ये मेरे कार चलाना अच्छा लगता है। नहीं नहीं आता बाबू मुझे। समोसा खाना है? देख रही थी मैंने सब, देख चुपके चुपके देखा मैंने, ऐसे ऐसे आपको चिढ़ा रही थी मैं। क्यों? ऐसे। अच्छा लाओ, चलो देख रहे। हाँ, मुझे चाहिए।
नींद आने लग जाती है दिन में, अगर थेरेपी करो ना नींद आने लग जाती। नींद क्या, नींद तो हर टाइम आ जाती है, ये काम इतना लंबा है और बोरिंग है, नींद आने लग जाती है। उसे भी नींद आने लग गई और मैं भी झूमने लग गई हूँ नींद से, लेकिन मुझे सोना नहीं है क्योंकि दिन भर सो गई तो रात में नींद नहीं आएगी, और फिर रात में नींद नहीं आएगी तो सुबह उठ नहीं पाऊँगी। बाबू मैं कभी कर रही हूँ, अभी बाद में देखूंगी आपको, ठीक है? सीधा बैठो, छोड़ दो। जो ये वाली थी इसमें तो ढीला छोड़ना है, ऐसे स्पेस भी रखना है कान और हाथ के बीच में, और ऐसा बिल्कुल टाइट कर देना है, ऐसे अंदर हवा रुक जाए जिससे। आप करो करो, ऐसा करो। हाथ नीचे करो, आप मत करो, मैं करूँगी। इधर दो हाथ, दो यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो बाबू। सात्विक यहाँ पे बैठो, ये सात्विक यहाँ पे बैठो, ये यहाँ पर इधर आओ। आज क्या खाया है स्कूल में आपने? बिटर गार्ड खाया। बिटर गार्ड खाया, वेरी गुड। पोटैटो खाना है। पोटैटो खाना है, पोटैटो मग बनाएंगे आपके लिए, कल स्कूल में पोटैटो भेजेंगे, ठीक है? आपको आपको पोटैटो पसंद है? पोटैटो अच्छा लगता है? अच्छा, दद्दा को क्या अच्छा लगता है? बिटर गार्ड अच्छा लगता है आपको? आपको क्या अच्छा लगता है? पोटैटो अच्छा लगता है आपको? पोटैटो अच्छा लगता है? अच्छा। पोटैटो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बिटर गार्ड खाना है? ये बिटर गार्ड भी खाता अच्छे से। बच्चों को मैंने खाना मतलब सभी खाते हैं, ये थोड़ा नखरे करता है, मतलब किसी किसी सब्जी में जैसे बिटर गार्ड में करता है, नहीं खाता है। और भी कई सब्जियां पसंद नहीं है ऐसे, लेकिन थोड़ा सा अगर बच्चों को अगर भाव दो ना तो बच्चे ज़्यादा नोटिंग दिखाने लग जाते हैं, खाना नहीं खाएंगे, और उनके पीछे लगे रहो ना कि खा लो खा लो प्लीज़ खा लो, उनसे बोलो मत खाओ हम खा लेंगे, तो बच्चा ना चढ़ता है तो फिर खाने की कोशिश करता है। आप जब भी कोई खाना बनाते हो बच्चों को खिलाने के बजाय हल्ला नहीं, अपना खाना लेके बैठ जाओ, और बच्चे भूखे हैं तब तो और ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे। नो बैठो, जब बच्चे भूखे होते हैं ना
यही बोल रही थी मैं, जब बच्चे भूखे होते हैं तो आप अपना खाना लेके बैठ जाओ, तो बच्चे देखेंगे यार मुझे तो दिया ही नहीं और ये खाने लग गई, तब आप बोलो कि नहीं मैं नहीं दे रही हूँ आपको, फिर बच्चे और चढ़ जाएंगे, मैं फिर आप बोलना कि आप तो खाते ही नहीं हुए आपको क्यों दूँ, तो फिर बच्चे ऐसा नहीं करो अच्छे से बैठो, फिर बच्चे खाना शुरू कर देंगे। आज इसने वो खाया ना टॉफी खाई है, इसकी इसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ी हुई है, हाथ बाहर निकालो। इसकी मैम का फ़ोन आया था मेरे पास कि मैम मैं प्लीज़ इसे टॉफ़ी खिला दूँ, ये बहुत परेशान हो रहा है, सबको देख रहा है खाते हुए, तो मैंने कहा दे दीजिए। क्योंकि फिर स्कूल में मेल्टडाउन नहीं आने चाहिए ना, क्योंकि फिर बच्चे वो बच्चे नहीं संभाल पाएंगे जैसे हम कर लेते हैं, वो लोग नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें एक ही बच्चा तो नहीं देखना है, बहुत सारे बच्चे देखने हैं, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप खिला दीजिए। कभी कभी चलता है, कभी कभी तो मैं पैसे भी दे ही देती हूँ, जैसे बर्थडे में या फिर कहीं गए हैं, कहीं गए हैं तो मैं चिप्स वगैरह दे देती हूँ इन्हें। वो ब्रश दे, तो ब्रश वो दूसरा वाला, शाबाश, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, वेलकम, टी अब बाबू हट जाओ यहाँ से, अब वहाँ सब देख रहे हैं ना, थेरेपी देख रहे हैं, आप आगे पर आ जा रहे हो, सात्विक रैट चूचू हुआ, यहाँ थोड़ी है बाहर है, पता नहीं बाबू निकाला आपने, मत निकालो,
क्या हुआ बाबू, मच्छर ने काटा? बाबू इसमें से फ्रूट्स वाली बुक निकाल के लेके आओ। अब उठो, वो टेबल लेके आओ, टेबल ला दो। ऊपर पर टेबल रखी, वो सात श्लोक की वो टेबल ला रहे हो, बैठो अच्छे से, बैठो अच्छे से, लाना हाँ, गिरना मत। यहाँ देखो, थैंक यू। यहाँ पे बैठो, पैर नीचे करो, पैर सीधा करो, यहाँ डालो पैर। हाँ, सात्विक यहाँ देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pink, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ देखो, यहाँ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यहाँ देखो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, हल्ला नहीं, 34, अच्छा आ जाओ, यहाँ देखो 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, यहाँ देखो 47, 48, 49, 50। बच्चे को पहले सर, अगर उसको नाम में रिस्पॉन्स कराना है, बच्चे का सर इधर पर रखा करो ऐसे, फिर जैसे ही नाम लेते हो तो इधर को घुमा दो। सात्विक तू कहाँ चले जा रहा है, अच्छे से बैठ, आगे को बैठो, आगे को आओ। सात्विक हाँ, यहाँ देख के बोलो। हाँ, सात्विक हाँ, सात्विक हाँ, सात्विक हाँ, जैसे हाँ बोलना सिखाना है ना, तो आपको इसको एक क्वेश्चन आंसर के तौर पर लेना पड़ेगा। जैसे सात्विक मतलब क्वेश्चन हो गया, हाँ मतलब आंसर हो गया। जैसे आप कोई भी चीज़ पूछते हैं ना, ये क्या है, तो उसका आंसर भी आप बताते हैं, तो इसको भी क्वेश्चन आंसर के तौर पर लीजिए, तो इसे हाँ बोलना आएगा। मत करो बाबू से, मत करो।
जैसे जैसे आप क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, जैसे क्वेश्चन एक सात्विक है, सात्विक मैं तुरंत बोलूँगी हाँ, तो इसका रिपीटेटिव बिहेवियर है, इमिटेशन है, तो तुरंत ये रिपीट करेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर हमें देने पड़ेंगे। हल्ला नहीं, सात्विक ऐसे। अब इसको जवाब सिखाना है तो बोलना पड़ेगा सात्विक हाँ, सात्विक सात्विक हाँ। पहले तो आपको हाँ हाँ जोर से बोलना, जितना जल्दी हो सके, जितना मतलब जोर से हो सके, है ना, क्योंकि धीरे धीरे जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ ये नहीं सुनेगा, अगर मैं इसको हाई टोन में बात करूंगी तो सुनेगा। सात्विक सात्विक सात्विक। अब इसकी आदत हो गई, पिछले एक साल से मैं इसको सिखा रही हूँ, एक साल से इसको सिखा रही हूँ, इसका क्वेश्चन के आंसर देना, क्वेश्चन के आंसर देना। अब ये सात्विक में हाँ बोल लेता है, कभी मैंने सोचा हाँ जी सुनाऊँ सिखाऊँ, कभी मैंने सोचा यस सिखाऊँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ सिखाइए, हाँ ठीक है, सबके लिए ठीक है, छोटे के लिए भी, बड़ों के लिए, सबके लिए भी, हम भी हाँ बोलते हैं, इनको भी हाँ सिखाइए। सात्विक हाँ, 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 सात्विक हाँ। तो मतलब इस तरीके से आप सिखाएंगे तो इस सात्विक में रिस्पांस करना भी आ जाएगा, मतलब नाम में रिस्पांस, हल्ला नहीं, सात्विक सात्विक सात्विक। बाबू मुझे वहां से फ्रूट्स वाली बुक दे दो। और करोगे? हाँ बाबू लेके, वो रुक जाओ मैं इसे यहाँ लेके आ जाती हूँ। फिर से वही ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन इसको सिखाना है। एप्पल मैंगो, एप्पल मैंगो, बनाना। अब वो करेंगे ना बाबू फिर, एप्पल मैंगो, बनाना ऑरेंज, बनाना बनाना ऑरेंज ऑरेंज। चाहे वो बोले चाहे वो ना बोले, आपको इसी हाई टोन में उससे बोलना है। वाटरमेलन, पाइन एप्पल, पिचाड़ू, पिचाड़ू नहीं बोलते हैं, पीच पीच, पीच, मस्क मेलन, चेरी चेरी, पपाया पपाया, पेयर, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, प्लम, ग्रेपफ्रूट, कीवी, कस्टर्ड एप्पल, डेट्स, एवोकाडो, लीची। इतनी पूरी बुक आपको नहीं लेनी है, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एप्पल मैंगो बनाना, एप्पल मैंगो, बस आपको ये ऐसे ही शो करना है आपको, एप्पल मैंगो, एप्पल मैंगो। फिर आप रोज़ रोज़ बोलते रहेंगे तो जैसे आप पॉइंट करेंगे तो वो बोलने लग जाएगा, एप्पल मैंगो, एप्पल मैंगो, है ना। फिर आप उसी चीज़ को जो रिपीट कर रहा है तो आपको क्वेश्चन आंसर में बोलना पड़ेगा, जैसे कि ये क्या है, तो आपकी फिंगर यहाँ गई है तो खुद ही बोलेगा एप्पल, ये क्या है, मैंगो, ऐसे। बाबू ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो आपको ये चीज़ करानी है, ठीक है। और बाकी स्पीच के लिए आपको स्वर आपको रिपीट कराना है, स्वर स्वर ऐसे इस तरीके से बात है। सात्विक बोलो, बोलो बोलो, बोलो।
ऐसे पूरा बोलो आ करो 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 बार बार नहीं एक ही बार अंग खाली। अब इमिटेशन इमिटेशन फिर करेंगे, पहले ये करते हैं ठीक है। वृद्धा इसमें अलग अलग रखिएगा, राजमा अलग, चना अलग। आ जाओ रखो, ले साथ एक, चलो दोनों जने रखो, आप भी रखो, आप भी रखो, रखो आ गया आ गया। राजमा बट रखो, चना यहाँ पर रखो, यहाँ से देखिएगा मूंग की दाल, बदना रखो रखो, राजमा रखो, राजमा यहाँ रखो, राजमा यहाँ रखना है, राजमा चना रखो, चना चना भट मूंग की दाल, भट यहाँ रखना है, यहाँ रखना है भट, मूंग की दाल, राजमा। इससे क्या हो रहा है ना, इससे फाइन मोटर स्किल पे भी हो रहा है और कंसंट्रेशन पे भी हो रहा है और आई ट्रैकिंग भी हो रही है और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है ना। करो राजमा, वेरी गुड, रखो रखो रखो, चना बट राजमा बट रखो रखो, जल्दी रखो, चना मूंग की दाल रखो, फिर
राजमा राजू भट की दाल मूंग की दाल मूंग की दाल ये राजमा भट की दाल चना की दाल मूंग की दाल राजमा राजमा की दाल अच्छा चना की दाल चना डालो उसमें चना मुंह में नहीं डालते हैं गंदी बात मूंग 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 डालो इसमें मूंग रखो जल्दी और टेक्टाइल सेंस का भी काम चल रहा है साथ साथ ही मूंग की दाल भट डालो भट की दाल कौन खाएगा मूंग की दाल कच्ची है वो नहीं खाते हैं भट भट डालो भट कौन खाएगा कोई नहीं खाएगा भट यहाँ पर रखो B-A-R-R-O-T बैरट हो गया वो बैरट भट की स्पेलिंग क्या होती है B-A-L-A-N-E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 
रखो रखो रखो, बाद में क्या रहे? मूंग की दाल, चना। M for मूंग की दाल, M for मूंग की दाल। यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो चना। रखो रखो रखो, जल्दी रखो चना, रखो चना, चना रखो रखो, जल्दी रखो चना। बट की दाल, रानी दाल, राजमा की दाल, राजमा दाल, मूंग की दाल, मूंग की दाल, बहुत अच्छा आई ट्रैकिंग हो रहा है इसमें, ब्लैक वाला बट आई ट्रैकिंग भी हो रही है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है, और साथ साथ टैक्टाइल पर भी काम हो रहा है, फाइन मोटर्स पर भी काम हो रहा है, इतने सारी चीज़ों का काम हो जा रहा है एक साथ, और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल समझदारी के साथ। करो, रखो रखो रखो, पानी की माँ है, कान में बैठा है, रखो रखो, मैं टूट गया, टूटा वाला रख दो, रख दो, हाँ टूटा वाला सकते हैं, कोई बात नहीं बाबू, रख दो, काम आ जाता है यहाँ पर थेरेपी करने के। क्यों, ये पे है ब्लैक वाला बट, ब्लैक वाला बट, क्या है? राजमा, राजमा, बट रखो रे, जल्दी रखो रखो, ये क्या है? पता नहीं क्या है, चना, रखो इस पर रखो, फिर चना इस पर रखो, वहीं क्यों रख रहे हो? मूंग, यहाँ रखो मूंग, मूंग, मूंग की दाल, मूंग की दाल यहाँ रखो, मूंग की हो, मूंग की दाल, मूंग की, मां आपकी फोटो खींच दो, वीडियो बन रही है अभी, गंदा टुकड़ा फोटो, बट कौन खाएगा वाला बट खाने, नहीं नहीं खाते बाबू, गंदी बात, 1 2 3 4 4 रखो रखो,
आप भी रखो ऐसे ही, पहले इसमें रखो, इसमें राजमा रखो, रखो राजमा, रखो राजमा, रखो इसमें राजमा, रखो ऐसे, 1 2 3 4 वही राजमा यहाँ डालो, 1 इसमें रखो, इसमें 1 2 2 3 राजमा रखना बाबू, राजमा ही राजमा, 1 1 ये रखो, 1 1 2 3 3 4 अब रखो इसमें राजमा, अब चना रखो हाथ में, चना इसमें चना रखो, यहाँ पर रखो ये हाथ में, रखो जल्दी, टू बट 3 बट 1 1 राजमा 1 राजमा 1 राजमा बहुत अच्छी से हो रहा है ये, अब बट रख दो, वेरी गुड, चलो अब रख देते हैं, रख देते हैं, 1 चना अब करने हो गया है बाबू, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें ना करने में, इतना देर नहीं लगाते हैं ना, बोलते थे देर अपने आप होती है, तो ठीक है फिर आप बैठो यहाँ पर, आप करो, मैं दादा को वो दूसरी वाली एक्सरसाइज कराती हूँ, ठीक है, ठीक है बाबू, मत करो बाबू, चलो यहाँ पर आओ, इमिटेशन करेंगे, इधर आओ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ साथ में ऐसा करो, यहाँ देखो, यहाँ सात्विक ऐसा करो, सात्विक ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये सब कर लेगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, इस तरीके से उसे करने दो, जाओ भाई को करने दो, इधर को जाओ, और जितना भी गिरेगा ना, जितना भी नीचे गिरेगा टेबल में गिरेगा सब उठा के रखना, ठीक है, दाल, दाल, dal, दाल, यहाँ देखो पैर फोल्ड करो, हाँ इधर देख, ऐसा करो, साथ ऐसा ऐसा करो, राजमा वाला बादाम, ऐसा करो, राजमा वाला वाला बादाम, स्टोन वाला बादाम, हाँ स्टोन वाला बादाम, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, यहाँ देखो, ऐसा करो, सात्विक ऐसा करो, सात्विक ऐसा करो, वो भाई को करने दो, सात्विक हाई फाइव, राजमा बातू, हाँ चलो, बनाना बातू का ने, सात्विक ऐसा करो, सात्विक ऐसा करो, सात्विक ऐसा करो, सात्विक ऐसा करो, वेरी गुड, चलो वहाँ पर लेट जाओ, यहाँ पर लेट जाओ, यहाँ पर लेट जाओ, उधर को लेटो, अब नहीं है राजमा, अब नहीं है, सब रख दिया आपने, वहाँ पर बैठ जाओ, थोड़ा उधर को जाओ, अब लास्ट इसकी थेरेपी बची है, जॉइंट कॉम्प्रेशन,
पता सो जाइए करते करते, सो जाता है तो अच्छी बात है। अब आप सब रख दो ठीक है। पैर ढीला छोड़ो सात्विक, निन्नू करो, चलो आइस क्लोज कर दो। अभी नहीं, अभी भातू खाना है, भातू खाना है, अभी जो भातू खाना है, दाल भातू, दाल भातू है, इन्हें दाल भात पसंद नहीं है, इन्हें कड़ी और चावल पसंद है। कड़ी हमारे वहाँ झोली बोली जाती है उसे, तो झोली भातू खाना है, झोली भातू खाना है यही बोलते हैं। सप्रानेम पापा, पापा सप्रानेम, फ्लेमिंग सप्रानेम, सप्रानेम सप्रा सप ज पैर सीधा करो, वैसे बहुत अच्छी बात है कि 1 घंटा या आजकल बैठने लग गया, वरना 1 घंटा बैठना 1 मिनट तक नहीं बैठ पाता था, अभी काफ़ी देर बैठने लगे। 1.5 घंटा तो आपके सामने सामने ही बैठा रहता है, कई बार तो इधर उधर भी चला जाता है, फिर आ जाता है बुलाने पर, और फिर ऐसी नौटंकी करता है। ये देखो ज़रा इसको, सात्विक अच्छे से बैठो। अगर अभी मैंने लाइट ऑफ कर दिया और कान में इसके हेडफोन डाल दिए ना तो उसे नींद आ जाएगी ऐसी थेरेपी करते करते। लेकिन अभी खाना भी खाना है तो अभी मैं नहीं करूँगी। हाथ हाथ हटाओ, ऐसा रख दो बाबू, रख दो सारे रख दो, हाथ हटाओ, गंदी बात बाबू, अब रख दे। हाँ रख रहे हो आप, दो मिनट में, गंदी बात। इससे ना कोई काम अगर मत कर कहते हैं ना तो ये कभी कभी चढ़ाने के लिए ज़्यादा करता है, और फिर मैं इसे बड़ी बड़ी आँख दिखाती हूँ ना नो करके तो खुश होता है ये कभी कभी, क्योंकि जिस समय मैं बड़ी आँख दिखा के इसे डांटती हूँ तो इसे पता है कि इसे गुस्सा नहीं आ रहा है, खाली डांट रही है। सबसे बोरिंग काम लगता है जॉइंट कॉम्प्रेशन वाला, एक जगह पर बैठ के खाली बस जॉइंट कॉम्प्रेशन करते रहो, नींद आने लगती है। आज तो 2 बार करनी पड़ेगी एक्सरसाइज पक्का, 2 बार, एक बार रात में भी करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ी हुई है थोड़ी।
हाँ इनमें से छोटी। सात्विक क्या खाओगे अभी? दाल भातू? दाल भातू खाओगे? दाल भातू खाओगे? दाल भातू खाओगे? कौन आई? ट्रेन आई। ट्रेन आई। संदेश संदेश सुना? संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है ये पूछे पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब कब आओगे आओगे कि तुम बिन ये घर सूखा नहीं सूना सुना है हो
मुझे दाल बाटी तो खाना है कुछ काम का हाथ से खाओगे ठीक है कढ़ाई नहीं है बाबू कुकर में बनाया है हाथ अब गिरेगा 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 वो क्या होता है ट्रेन पापा हाँ अच्छे से बैठ फिर सीधा बैठो सीधा वाटरमेलन नहीं है अभी नहीं आता वाटरमेलन अब गर्मियों में आएगा अभी आएंगे तुम्हारे क्या एप्पल आएंगे बनाना आएगा और कुछ दिनों बाद फिर वो भी आएंगे ऑरेंज आएगा ऑरेंज अच्छा लगता है ना हाँ मुझे भी अच्छा लगता है ऑरेंज स्नेक बस दादा की थेरेपी होने वाली है पूरी फिर करते हैं ठीक है आपके लिए एक प्रेस बना दूंगी मैं ठीक है आप प्रेस करना फिर हाँ गेम वाला ठीक है मंगाएंगे नहीं मैं बना दूंगी घर पर ही ठीक है आज नहीं जब भी टाइम मिलेगा जब भी टाइम हो गया है अच्छा पैर सीधा करो पैर सीधा करो पैर सीधा करो सब आएगा क्या किया नहीं वही था जो पापा ने मंगाया था ऐसे था।
पैर सीधा करो बाबू, पैर सीधा करो, सीधा इधर पर करो ऐसे। टर्न कर दो, अब टर्न हाँ, धूप में छत में जाओगे तुम लोग। तो अब ये इसकी लास्ट थेरेपी बच रही है और यहीं पर मेरी थेरेपी ख़त्म भी हो जाएगी। अब कुछ थेरेपी बचती नहीं है, शायद अभी मैंने कुछ छोड़ दी होंगी बीच में, छोटी जो थेरेपी के सामान वाली है, क्योंकि ये मेरे श्लोक जो है बीच में से निकाल लेता है सामान, तो मैं कर नहीं पाती हूँ। मैंने इसे बहुत बार बोला भाई मत निकाला करो, तो इधर उधर कर देता है, तो मैंने बहुत सारी छोड़ भी देती हूँ। अब मत निकाला करो इसमें से, ठीक है? जब भी तब तक मैं थेरेपी नहीं करती हूँ तब तक मत निकाला करो उसमें से सामान, ठीक है? जब मैं, क्योंकि फिर देखो ये नहीं करी अभी दद्दा की अभी थेरेपी, फिर आपने इधर फेंकी हुई है सामान, इधर फेंका हुआ है सारा सामान। आप उस समय, ये आप बाद में खेला करो ना, अगर आपको खेलना ही होता है आप बाद में खेला करो, ठीक है? ये देखो ये है यहाँ, इसे रखो वहाँ पर, रखो उसमें रखो। अभी अभी आपको खेलना नहीं होता, जिस समय मुझे थेरेपी करनी होती है उसी समय आपको खेलना होता है। रखो सारा, रखो उसमें, रखो सब। ये भी पकड़ो ये वाली चूड़ी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और थेरेपीज आप मेरे साथ कर रहे होंगे, प्लीज़ करिएगा क्योंकि फ़ायदा ज़रूर दिखेगा, ये तो मेरी गारंटी है, फ़ायदा दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। अभी नहीं दिखेगा, कल नहीं दिखेगा, महीने बाद नहीं दिखेगा, दो महीने बाद भी नहीं दिखेगा, लेकिन तीसरे चौथे महीने में कुछ तो फ़ायदा दिखने लगेगा आपको, है ना? तो आप लोग करते रहिएगा। तो अभी के लिए मैं ये थेरेपी यहीं पर ख़त्म करते हैं, आप मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो, हाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय।